हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बजाज पल्सर 150 वर्सेस होंडा SP 160 के कंपैरिजन में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये दोनों बाइक के बीच में कंप्लीट कंपैरिजन होने वाला है। ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। दोनों में आप लोगों को मैं कंप्लीट डिटेल में बताने वाला हूँ। दोनों ही बाइक के बारे में देखेंगे क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीज़ें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, कितना प्राइस डिफरेंस है, क्या चीज़ें किसमें ज़्यादा अच्छी मिलती है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक के प्राइस डिटेल्स के बारे में। दोनों में आपको कितना प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है, दोनों बाइक में कितना प्राइस मतलब कंपनी ने यहाँ पर फ़र्क रखा हुआ है। आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, अपनी जो होंडा की SP 160 है उसमें आपको डुअल डिस्क एंड सिंगल डिस्क वाला ऑप्शन मिलता है। टॉप मॉडल लेंगे डुअल डिस्क वाला, 1,21,900 रुपीज़ के आसपास की आपको वो एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। एंड अगर हम बात करें अपनी पल्सर 150 ट्विन डिस्क के बारे में तो वो आपको एक्सरूम 1,20,500 रुपीज़ के आसपास की एक्सरूम प्राइस देखने को मिलती है। मतलब अगर आप दोनों का प्राइस देखें तो दोनों के प्राइस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों बाइक एकदम सेम आती है भाई। 500-1000 क्या ही डिफरेंस आप कहेंगे, मतलब दोनों बाइक का जो आपको प्राइस है वो बिल्कुल सिमिलर देखने को मिलता है। दोनों के प्राइस में एक्चुअल में कंपनी ने कोई भी ज़्यादा फ़र्क नहीं रखा है, तो ये अच्छी बात है, मतलब कि दोनों का प्राइस सेम है, कंपेरिजन करने में मज़ा आएगा यार। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों दोनों के कंपेरिजन में। सबसे पहले दोस्तों हम SP के ना फ्रंट में आते हैं। अब दोस्तों SP के जब हम फ्रंट में आएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि SP में आपको फुली LED जो लाइट है वो आपको फ्रंट में देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है भाई। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, फुली LED लाइट दे रही है कंपनी। लाइट की इल्यूमिनेशन एंड जो विजिबिलिटी है वो भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल रही है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको अच्छी मिलती है और पसंद भी करते हैं भाई लोग। यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, पसंद भी उसे करते हैं क्योंकि लाइट उसकी एक्चुअल में बहुत अच्छी कंपनी ने दी हुई है। तो लाइट आपको SP की अच्छी देखने को मिलेगी, टर्न सिंगल लैप आपको बल्ब देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें पल्सर के बारे में तो पल्सर में आपको मेन लाइट में जो है दोस्तों हैलोजन लाइट देखने को मिलती है, तो एक माइनस पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है पहला यहीं पे। दूसरा ये माइनस पॉइंट है कि भाई मेन लाइट हैलोजन है बट कंपनी ने आज तक इस बाइक में LED लाइट में काम किया ही नहीं है। तो पल्सर 150 में आपको हैलोजन लाइट देखने को मिलती है, टर्न सिंगल लैप आपको इसमें भी बल्ब देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर लाइटिंग वाइज अपनी SP ज़्यादा बेहतर है। फ्रंट में आपको दोनों बाइक में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। दोनों के सस्पेंशन जो है काफ़ी अच्छे हैं। सस्पेंशन में क्या ही अब ज़्यादा कंपैरिजन करना। टायर साइज़ में आपको बता दूं दोस्तों, पल्सर में 1990 के टायर मिलते हैं और भाई SP में आपको 1800 के टायर साइज़ देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं ब्रेकिंग के बारे में। ब्रेकिंग में स्पेशल फीचर में दोनों ही बाइक में आपको सिंगल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। ये ABS है जो कि डुअल चैनल ABS आपको सिंगल चैनल ABS आपको दोनों बाइक में मिलता है। प्लेट साइज पल्सर 150 की थोड़ी सी बड़ी है, उसमें आपको 280mm की प्लेट मिलती है बट SP में 276mm की प्लेट मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से इस प्लेट साइज़ में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों की जो प्लेट्स है वो आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिल जाती है। चलिए अब चलते हैं दोस्तों दोनों के इंजन कंपेरिजन की तरफ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SP के इंजन के बारे में। दोस्तों SP में आपको बता दूँ 162.71 cc का एयर कूल 4-स्ट्रोक ऐसे ही जो इंजन है वो आपको SP 160 में देखने को मिल जाता है। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, ये मैक्सिमम पावर में 13.2 के आसपास का PS पावर जनरेट करती है एंड 14.5 के आसपास का जो टॉर्क है वो आपको SP 160 में देखने को मिलता है। तो पावर आपको बाइक में अच्छी खासी देखने को मिल रही है। ये बाइक 4 वॉल्वो के साथ में आती है। 1 नंबर ऑफ सिलेंडर में कंपनी ने इसे डिज़ाइन किया है। कूलिंग सिस्टम में बाइक में आपको एयर कूलिंग मिल जाएगा, फ्यूल सिस्टम में FI मिलता है। ये 5 गियर के साथ में आती है। बाइक में आपको नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट क्लास देखने को मिलता है। अब चलते हैं पल्सर के इंजन की तरफ। पल्सर में दोस्तों मैक्सिमम इंजन टाइप में 149.50 cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक 2 वॉल्वो ट्विन स्पार्क प्लग सिंगल सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, दोस्तों पल्सर 150 मैक्सिमम पावर में 14 PS के आसपास की पावर जनरेट करती है एंड 13.25 के आसपास का जो टॉर्क है वो आपको पल्सर में देखने को मिलता है। पल्सर में थोड़ी सी टॉर्क कम है, SP में थोड़ी सी पावर कम है, टॉर्क ज़्यादा है। तो अगर कंपेयर करें तो इंजन भी दोनों का ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस में 19-20 का फ़र्क होगा मुश्किल से, मुझे लगता है।
बाकी पल्सर में भी 5 गियर है, इसमें भी आपको एयर कूलिंग इंजन मिलता है, इसमें भी FI आता है, इसमें भी आपको नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट जो क्लच है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो इंजन वाइज दोनों बाइक का बहुत अच्छा है, बट यार होंडा अधिक जापानीज होती है, इंजन क्वालिटी आई थिंक होंडा थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर दे देती है SV के कंपेरिजन में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों बाइक के माइलेज एंड परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों बात करते हैं पहले SV के बारे में। SV आपको मिनिमम कंपनी क्लेम करती है कि 50 के आसपास का माइलेज ऑफर करेगी। 0-100 में SV को 16 सेकंड लगते हैं, टॉप स्पीड आपको इसकी 115 किलोमीटर पर आवर के आसपास की मिलेगी। पल्सर को भी कंपनी क्लेम करती है 50 के आसपास का माइलेज, और पल्सर में भी लगभग 16 के आसपास का माइलेज, सॉरी 0-100 में 16 सेकंड लगते हैं इसे भी। टॉप स्पीड इसकी आपको 115 से 120 किलोमीटर पर आवर के आसपास की मिल जाती है। तो दोनों में आपको परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अब आते हैं दोस्तों दोनों के स्पीडोमीटर की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पल्सर 150 के स्पीडोमीटर के बारे में। यार पल्सर 150 में आज भी आपको नॉर्मल एनालॉग विद डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, जो कि एक काफ़ी बड़ा माइनस पॉइंट है भाई, कंपनी को वहाँ पे अपडेट लाना चाहिए। पल्सर में आपको स्पीडोमीटर है, टेकोमीटर एनालॉग है, ट्रिप मीटर है, ओडोमीटर है, फ्यूल गेज है, लो ऑयल इंडिकेटर है, लो बैटरी इंडिकेटर है, डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर है, और 2 स्विचेस दिए कंपनी ने जिसे आप इसके स्पीडोमीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्पीडोमीटर पल्सर में आपको एनालॉग भी डिजिटल मीटर मिलता है। अब चलते हैं हम SV की तरफ। दोस्तों SV में आपको फुली डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये भी आ गया कि एक तरफ एनालॉग विद डिजिटल मीटर, एक तरफ है फुली डिजिटल मीटर। SV में आपको फीचर भी ज़्यादा मिलेंगे। इसमें आपको स्पीडोमीटर मिलता है, टेकोमीटर मिलता है, ट्रिप मीटर है, ओडोमीटर है, न्यूटन इंडिकेटर है, फ्यूल कंजप्शन गेज है, क्लॉक है, फ्यूल गेज है, गियर इंडिकेटर भी आपको मिलेगा जो कि पल्सर में नहीं आता, और एक सबसे बड़ा अपडेट आपको SV में मिलता है जो कि ज़्यादा एडवांटेज आपको SV में मिलेगा। साथ में जो सर्विस रिमाइंडर है वो भी आपको मिल जाता है। तो SV का भाई स्पीडोमीटर और फीचर जो आपको थोड़ा बेहतर मिल रहा है। अब चलते हैं दोस्तों दोनों के रियर प्रोफाइल में। रियर में आपको बता दूँ SV के बारे में, SV में आपको रियर में टेल लाइट में आपको LED मिलेगा, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है। रियर में बाइक में 130/70 के टायर साइज़ है। रियर में दोस्तों इस बाइक में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है 130mm का। साथ में रियर में आपको बाइक में जो है सस्पेंशन आपको मोनोशॉक जरूर देखने को मिलेंगे, जो कि डायमंड टाइप चेसी आपको बाइक में मिल रही है। बात करते हैं अपन पल्सर के बारे में। पल्सर की टेल लाइट भी आपको LED मिल जाएगी, लेकिन पल्सर में रियर में अभी आपको डिस्क मिलता है दोस्तों, ध्यान रखिए। इसमें आपको रियर डिस्क भी मिलता है जो कि आपको 230mm का मिलता है। SV में भी मिलता है अगर आप डिस्क वाला मॉडल लेते हैं तो, ठीक है। साथ में पल्सर में आपको रियर में 120/80 के टायर मिलते हैं। SV के टायर से रियर की ज़्यादा बेहतर है। और पल्सर में रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन नहीं आते, पल्सर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर आएंगे जो कि डुअल सस्पेंशन होते हैं। तो SV के सस्पेंशन थोड़े से बेहतर निकल कर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं दोनों के डायमेंशन एंड कैपेसिटी के बारे में। दोस्तों पल्सर का वेट है 150 kg का, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 15 लीटर की, सीट हेड है 785mm की, ग्राउंड क्लियरेंस है 165mm की, व्हील बेस है 1345mm का। बात करें हम SV के बारे में तो SV का ओवरऑल लेंथ है 2061mm का, ग्राउंड क्लियरेंस है 177mm की, सीट हेड है 796mm की, व्हील बेस है 1347mm की, कर्व वेट है 139 kg का, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 12 लीटर के आसपास की देखने को मिलती है। तो SV 160 का जो वेट है वो पल्सर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। सो ये दोस्तों दोनों बाइक का कंप्लीट कंपैरिजन। अब दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भाई आपको दोनों में कौन सी बेहतर लगी। देखिए दोनों बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है, दोनों बाइक इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में अगर आप देखें तो SV जो है ज़्यादा बेहतर निकल के आ रही है एज़ कम्पेयर टू पल्सर 150। बाकी आपका क्या कहना है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। सुमित करता हूँ एक छोटी सी वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।